अगली खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है। आपको बताते चले कि जनपद अयोध्या में इन दिनों बच्चा चोरी करने वालों का गिरोह सक्रिय हो गया है, जिसके चलते आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के माता पिता सतर्क हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला अयोध्या जनपद के फतेहगंज मोहल्ले में रहने वाले लोगों के बीच देखने को मिला है। यहाँ के रहने वाले लोगों का मानना है कि बीती रात एक अज्ञात व्यक्ति चड्डी पहनकर पड़ोसी के घर में घुस गया और वह सो रहे बच्चों को उठाकर जब ले जाने लगा तो उसको देखकर पड़ोसी का एक पालतू कुत्ता भौंकने लगा और कुत्ते की आवाज सुनकर मोहल्ले के कई लोग जाग गए। तब वह व्यक्ति बच्चे को छोड़कर भागने लगा। फिर उसके बाद कॉलोनी के रहने वाले कुछ लोगों ने उसे दौड़ाकर हनुमानगढ़ी नाका के पास से पकड़ लिया। फिर उसके बाद इसकी सूचना अयोध्या कोतवाली नगर को दी गई। मौके पर पहुंची अयोध्या कोतवाली की पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बच्चों का यह गिरोह शायद बच्चा तस्करी का काम करता है। फिलहाल इस मामले को लेकर अभी कोई अधिकारियों की तरफ से लिखित बयान नहीं आया है। घर के अंदर से बच्चा चुरा के लेके भाग रहा था, वो तो घर पे कुत्ता पला हुआ था, तो उसी कुत्ते की वजह से बच्चा सड़क पे फेंक के भागना, जब ये भागा तो इसको नाका हनुमानगढ़ी से पकड़ के लेके आए हैं फतेहगंज रेलवे क्रॉसिंग के बगल। पता नहीं कौन है, जानते नहीं क्या कह रहा है। पकड़ा गया, कह रहा है कि बच्चा हमें अच्छा लग रहा था तो हम इसको खिलाने के लिए लेके जा रहे थे। अभिषेक जायसवाल आपके हैं, उस बच्चे के पिता हैं।